आज हम समझेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके नाम समझेंगे और इनको प्रोड्यूस कौन करता है, इनको उत्पन्न कौन करता है, उसके उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर होता है फाइब्रिनोजन, ये पहला क्लॉटिंग फैक्टर होता है। सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर है प्रोथ्रॉम्बिन। थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर कहलाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा है, फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर कहलाता है प्रोएसिलेरिन। इसका दूसरा नाम है लेवाइल फैक्टर। छठा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, सातवां क्लॉटिंग फैक्टर है। सेवेंथ क्लॉटिंग फैक्टर है प्रोकन्वर्टिन। ठीक है, इसके बाद आता है एर्थ क्लॉटिंग फैक्टर का नाम है एंटी हीमोफिलिक ए। इसके बाद आता है एर्थ के बाद नाइन्थ आता है नाइन्थ क्लॉटिंग फैक्टर है क्रिस्टमस फैक्टर का दूसरा नाम है एंटी हीमोफिलिक बी। इसके बाद आता है टेंथ क्लॉटिंग फैक्टर होता है स्टॉर्ट पावर फैक्टर। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। इलेवेंथ क्लॉटिंग फैक्टर है प्लास्मोथ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका दूसरा नाम है AHFC। इसके बाद आता है ट्वेल्थ क्लॉटिंग फैक्टर, इसका नाम है हेजीमैन फैक्टर। इसका दूसरा नाम है ग्रास फैक्टर और तीसरा नाम है AHFD।
इसके बाद आता है 12th क्लॉटिंग फैक्टर, इसके बाद आएगा 12th थर्टीन क्लॉटिंग फैक्टर। 13 क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रिन स्टेबिलाइजिन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, या इसको कहते हैं लकी लॉरेंट फैक्टर। दूसरा नाम क्या है? लकी लॉरेंट फैक्टर। लकी लॉरेंट फैक्टर ठीक है, इस प्रकार हो जाते हैं 13 क्लॉटिंग फैक्टर हो जाते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये इसमें कौन से क्लॉटिंग फैक्टर किससे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर है ये बनता है डैमेज टिश्यू से। डैमेज टिश्यू जो है वही थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर को बनाता है, थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर को बनाता है। फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो डाइट से प्राप्त होता है, हमें बोन से प्राप्त होता है, क्योंकि कैल्शियम है तो बोन से प्राप्त होता है, और प्लेटलेट में और प्लेटलेट से प्राप्त होता है। कौन सा? फोर्थ कैल्शियम। फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? कैल्शियम। और पांचवा जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये हमें प्राप्त होता है, फिफ्थ क्लॉटिंग फैक्टर हमें प्राप्त होता है लीवर से एंड प्लेटलेट से। लीवर और प्लेटलेट से हमें प्राप्त होता है फिफ्थ क्लॉटिंग फैक्टर। इसके अलावा जो लास्ट है 13 क्लॉटिंग फैक्टर, ये प्राप्त होता है लीवर से एंड प्लेटलेट से। ये भी लीवर और प्लेटलेट से प्राप्त होता है। और रेस्ट जो बचे, बाकी सारे रेस्ट क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं वो सारे जो बचे हैं वो सब लीवर से प्राप्त होते हैं, लीवर से प्राप्त होते हैं। तो ये नोट है कि डैमेज टिश्यू से बनता, सबसे पहले बनता है डैमेज टिश्यू, और डैमेज टिश्यू से प्राप्त होता है थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर, और थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद आता है बोन, प्लेटलेट, डाई, इनसे बनता है फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर, और थर्टीन जो बनता है वो लीवर और प्लेटलेट से बनता है, और बाकी सब लीवर से बनते हैं केवल। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर के नाम याद करना। फाइब्रोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोएसिलेरिन या लेवाइल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, प्रो कन्वर्टिन जिसे कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक ए, और क्रिसमस फैक्टर, AHF भी कहते हैं इसे, स्टॉर्ट पावर फैक्टर, इसे थ्रोम्बोकाइनेस कहते हैं, प्लाज्मो थ्रोम्बोप्लास्टिन AHFC कहते हैं, और ट्वेल्थ होता है हैजिनमैन फैक्टर या ग्रॉस फैक्टर या AHFD, और इसके बाद आता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, लकी लॉरेंट फैक्टर भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे फैक्टर के नाम इसमें हमने बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की TGT PGT में आने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं जिनसे एक एक नंबर के क्वेश्चंस और जो टाइप क्वेश्चन फंस जाते हैं वो सब हमने आपको धीरे धीरे इसमें वीडियो में पढ़ाते रहेंगे।
इसके अतिरिक्त जो आप लोग इसमें ज्वाइन करते हैं, सभी वीडियो देखते रहा करें, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हैं हर जगह, बीएससी में, एमएससी में, हर जगह जूलॉजी बॉटनी में काम में आते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए काम में आते हैं, आगे चल के टीजीटी पीजीटी में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग